फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम बनाए जा रहे हैं पराठे हम बनाएंगे मल्टी लेयर्ड पराठा जिसको हम लच्छा पराठा या लच्छेदार पराठा भी कहते हैं तो उसके लिए जो चीजें हमें चाहिए वो देखते हैं जो हमने लिए हैं तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमें क्या क्या चाहिए और हमने किस तरह से रेसिपी अपनी प्रोसेस करनी है तो आप देख सकते हैं हमने लिया है आटा हमारे पास है दो कप आटा दो कप आटा हमने लिया है गंदम का आटा लेंगे हम उसके बाद है हमारे पास मैदा मैदा हम लेंगे ये भी हमारे पास दो कप है दो कप लिया, देन हमारे पास नमक है नमक हमने लिया है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं देन हमारे पास है घी देसी घी हम यूज़ करेंगे अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा जो होता है डालडा दूसरा घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपल कुकिंग ऑयल भी आप ले सकते हैं लेकिन अगर घी होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सो so, हम घी ले रहे हैं देसी घी ले रहे हैं तो चलिए इसके अलावा हमें चाहिए होगा फ्रेंड्स पानी पानी हम यूज़ करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे अच्छा जो हमारे पास घी है घी हमें बाद में फ़्राई करने के लिए भी और साथ साथ जब हम रोटियाँ बेलेंगे उसमें भी ज़रूरत आएगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये हम डाल रहे हैं आटा दो बोल हम दो कप्स हम आटा डालेंगे ये देखिए देन हम इसमें ऐड करेंगे मैदा दो कप हम मैदा मैदा ऐड कर देंगे देन इसमें हम ऐड कर देंगे डालडा ये हम इसमें ऐड करने लगे हैं डालडा इसमें ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से देन हम इसको मिक्स कर लेंगे या आप देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए सारे आटे में सारे मैदे में दोनों चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए और साथ साथ घी जो हमने डाला है वो भी इसमें मिक्स हो जाना चाहिए और साथ ही हमने इसमें नमक भी ऐड कर लिया था तो अब हम इसमें पानी डालने जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे ये आप देख सकते हैं मैंने पानी डाला है और अब मैं इसको हल्के हाथ में मिक्स करने लगी हूँ ये और थोड़ा मैं ऐड कर रही हूँ पानी थोड़ थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे इसको हमने ज़्यादा ढीला भी नहीं करना नॉर्मल जो हम आटा गूनते हैं उस तरह से हमने गूंदना है फ्लफ़ी सा आटा गूंदना है हमने तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर, कर रही हूँ आप देख सकते हैं सो फ्रेंड्स ये अब सारे का सारा पानी और आटा हमने मिक्स कर लिया है एक डो की शेप आने लगी है और अब हम इसको गूंद रहे हैं अच्छी तरह से इसको गूंद लीजिए गूंदने के बाद हम इसको रख लेंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे ये अब रेडी हो चुका है हम इसको रख रहे हैं 20 मिनट्स के लिए एक बॉक्स में रख लीजिए ढक्कन वाले बॉक्स में देन 20 मिनट गुजरने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे अब हम इसके पेड़े बनाने लगे हैं साथ ही हमने लिया है घी घी हम ले रहे हैं और साथ हमारे पास है ये आ, मैदा और आटा हमने मिक्स कर लिया है खुश्क हम इसको यूज़ करेंगे पेड़े बनाते वक्त तो ये फ्रेंड्स आप ले लीजिए सिंपल रोटी की तरह हम इसके पेड़े बनाएंगे तो फ्रेंड्स ये हम पेड़े बनाने लगे हैं इस तरह से आप हाथ पे इसको प्लेन कर लीजिए स्मूथ कर लीजिए रोल कर लीजिए और इस तरह से आप पेड़े बना लीजिए साथ ही हम खुश भी यूज़ करेंगे ये हमने खुशका बिखेरा इसके ऊपर और अब हम ये सेट करके रख रहे हैं सारे के सारे पेड़े बन चुके हैं हमारे सो so फ्रेंड्स अब हम इनको बेल लेंगे अब हम इनको बेलने की तैयारी करेंगे अब हम इनको बेलने लगे हैं तो चलिए फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स ये मैं इसको बेल चुकी हूँ एक रोटी ये हमने फर्स्ट रोटी अपनी बेल ली है सो so, इसको हम उठा के साइड पे छोड़ देंगे ये हमारे पास नेक्स्ट रोटी आ गई इसको भी हमने बेल लिया इसी तरह हम करके सारे के सारे पेड़े अपने बेल के साइड्स पे रख लेंगे इसको अच्छे से बेल लीजिए सो फ्रेंड्स जे भी हो गया अब हम सारी की सारी रोटियाँ अपनी बेल चुके हैं और हम अब स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट जो हमने स्टेप करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम ये जो अपनी हमारे पास रोटी है इसको लेंगे एक को हम नीचे बिछाएंगे। सबसे पहले हम इस पर खुशक आटा डालेंगे और देन हम इस पर रोटी डालेंगे ये हमने इस पर रोटी रखी इसको सेट कर लीजिए इस तरह से इस पर हम डालने लगे हैं देसी घी यह हमने इस देसी घी डाला आप ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से इसको फैला सकते हैं अच्छी तरह से इसको सारी जगहों पे फैला लीजिए सही तरह से पूरी इवनली इसको स्प्रेड कर लीजिए देन फ्रेंड्स इस पर हम इसके बाद डालेंगे हम जो हमने मिक्सचर बनाया था खुश्क मैदे और आटे का तो हम ये इस पर छिड़क देंगे ये हम इस पर छिड़क रहे हैं अच्छी तरह से हर जगह से तमाम साइड से छिड़क छे, पे छिड़क लीजिए ये आप देख सकते हैं इस तरह से सो फ्रेंड्स ये हम देखें साइड्स पे भी छिड़क रहे हैं ये हम नेक्स्ट रोट इस पे डाल रहे हैं इसी तरह हम सारी लेयर्स डालते जाएंगे और हर लेयर के बाद हम घी और आटा जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे छिड़क लेंगे इसको साइड से सेट कर लीजिए तकरीबन इस तरह कर लीजिए कि ये बराबर हो जाए हर साइड से एक दूसरे को कवर कर लें सारी लेयर्स ये देन हमने अगेन इस पर घी लगाया तो हम घी को अच्छी तरह से फैला रहे हैं सारी जगहों पे लगा रहे हैं सो so फ्रेंड्स ये लग गया घी हमारा अब हम इस पर छिड़क देंगे आटा ये हम छिड़कने लग छिड़क रहे हैं आटा सो so ये हमने इस पर छिड़का सारी जगहों पे इवनली डालिए हाथ से इसको सेट कर लीजिए प्रेस कर लीजिए जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ भी आप इस इसमें कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए इवनली स्प्रेड करना करना है हमें देन हमने दूसरी रोटी ली और नेक्स्ट लेयर हमने तैयार की इसके लिए इसको इसके ऊपर डाल देंगे देन अगेन हम यही प्रोसेस करते जाएंगे और ये अब देख लीजिए हमने सारे के सारे जितने हमारे पास पेड़े बने थे ऊपर नीचे बिछा लिए हैं और ये आप देख सकते हैं ये हो चुका है अब हम इसको कट कर रहे हैं तो इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में काट लीजिए पतली पतली स्ट्रिप्स हम इसकी सारी काट लेंगे आराम से इसको काट लीजिए इस तरह से इसको अलग कर लीजिए इस तरह स्ट्रिप्स काटते दे जाइए देन हम इन स्ट्रिप्स को यूज करेंगे पेड़े बनाने के लिए सो so, ये हमने स्ट्रिप्स ली आप देख सकते हैं जो हमने कट की थी जो हमने रोटियों की लेयर्स बनाई थी उसको हमने स्ट्रिप्स में कट किया और अब हम ले रहे हैं ये मैंने इसमें से कुछ पोर्शन लिया है थ्री स्ट्रिप्स तकरीबन मैंने ले ली हैं जितने आपको जिस साइज का पेड़ा चाहिए उस हिसाब से आप स्ट्रिप्स लेंगे और इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए फोल्ड करते जाएंगे ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको फोल्ड कर रहे हैं इसको घुमा रहे हैं रोल कर रहे हैं तो इस तरह से हम करेंगे और देन हम जो इसका हमारे पास एंड है उसको हम ऊपर वाली साइड ले आएंगे और उसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे पास पेड़ा तैयार हो गया है इसको हम खुशका लगा के कुछ देर के लिए साइड पे छोड़ देंगे तकरीबन पाँच मिनट के लिए तो फ्रेंड्स ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है इसी तरह हम सारे के सारे पेड़े बना लेंगे और उनको कुछ देर के लिए रख लेंगे तकरीबन पाँच मिनट के लिए तो फ्रेंड्स ये देखिए आप तकरीबन हमारे पाँच मिनट गुजर चुके हैं और ये इसकी लेयर्स आपको नज़र भी आ रही हैं अब ये तैयार हो चुका है अब हम इसको बेल लेंगे इसको आराम से बेलिएगा इसको प्रेस नहीं करना हमने इसको सिर्फ़ स्प्रेड करना है तो फ्रेंड्स ये मैं इसको स्प्रेड कर चुकी हूँ इसको बेल चुकी हूँ तो देन हम इसको पकाने लगे हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसको पकाते हैं स्टार्ट करते हैं इसको आप पैन पे डालिए पहले हम स्टार्ट में घी नहीं लगाएंगे हम इसको ऐसे ही पैन में डालेंगे और एक साइड को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे थोड़ा सा सेकेंगे हम वेट कर रहे हैं कि एक तरफ से ये थोड़ा-थोड़ा पक जाए थोड़ा लाइट सा गोल्डन हो जाए रोटी हमारा पराठा जो है साथ-साथ घुमाते -साथ रहिए इस तरह हल्का-हल्का सा देन हम इसको जब ये एक साइड से हो जाएगी हम इसको पलट देंगे ये आप देख सकते हैं इस तरह से हो जाए तो इसको पलट दीजिए और अब हम इस पर लगाएंगे अपना घी घी हम इस पर स्प्रेड कर रहे हैं इस तरह आप स्पून की मदद से इसको स्प्रेड कर लीजिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसको पूरी तरह इवनली स्प्रेड करने के लिए इवनली पूरी पराठे पे लगाने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं ऑयलिंग ब्रश जो हमारे पास होता है सो यहाँ पे मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ अब हम इसको पलट देंगे और हम इसकी जो दूसरी साइड है वो भी आप देख सकते हैं लाइट लाइट गोल्डन हो चुकी है तो अब हम इस पर भी ऑयल ऑयल नहीं सॉरी हमारे पास घी है घी स्प्रेड करने लगे हैं घी जो है आप पहले से मेल्ट करके रखें ताकि ईजिली स्प्रेड हो जाए डायरेक्ट हम नहीं डालेंगे मेल्टेड घी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे आप देसी घी यूज़ करें या दूसरा घी यूज़ करें आपने मेल्टेड लेना है सो देखिए ये गोल्डन हो रहा है इसमें कलर आ रहा है क्रिस्पी सा पराठा हमारा तैयार होने लगा है सो so फ्रेंड्स इसको इन बिटवीन चेक करते रहिए पलटते रहिए और अच्छी तरह से इसको गोल्डन कर लीजिए इसको हम हल्की आंच पे मीडियम आंच पे बनाएंगे बहुत तेज़ आंच हमने नहीं रखनी मीडियम आंच पे हमने इसको पका लिया है अब ये तैयार हो चुका है सो so फ्रेंड्स ये है इसकी फाइनल लुक हमारा पराठा तैयार हो चुका है इसी तरह आप सारे पराठे बना लीजिए इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए